सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मन्नीराम खिचड़, आज बहुपद का भाग 6 बीज व्यंजकों के लघुतम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक पढ़ाने जा रहा हूं। लघुतम एलसीएम से लिखते हैं और महत्तम को एचसीएफ से लिखते हैं। लघुतम समापवर्तक एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ। तो बीज व्यंजकों के लघुतम और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? बीज लघुतम समापवर्तक के लिए दी गई संख्याओं का लघुतम निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? दी गई संख्याओं का लघुतम ज्ञात करते हैं और बीज व्यंजक ए बी सी एक्स वाई जेड इनकी सबसे बड़ी घात लेते हैं। बीज व्यंजकों की सबसे बड़ी घात लेते हैं और संख्याओं का लघुतम निकालते हैं। लघुतम निकालते हैं और बीज व्यंजकों की बड़ी घात उनके साथ लिख देते हैं तो वह होगा लघुतम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। महत्तम ज्ञात करने के बाद में बीज व्यंजक को सबसे बड़ी उभयनिष्ठ घात लेते हैं। सबसे बड़ी उभयनिष्ठ का मतलब छोटी घात लेते हैं, कॉमन। क्या लेते हैं? सबसे छोटी। तो लघुतम और महत्तम में क्या अंतर होगा कि लघुतम दी गई संख्याओं को एक साथ लिख करके और लघुतम ज्ञात करते हैं, फिर उन संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसमें सब उनका पूरा भाग जाता है वो होगा लघुतम छोटी संख्या। और बीज व्यंजक को सबसे बड़ी घात लेते हैं। महत्तम में दी गई संख्याओं का महत्तम ज्ञात करते हैं और बीज व्यंजक को सबसे बड़ी उभयनिष्ठ घात लेते हैं। अब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुतम गुणा महत्तम, लैसे गुणा मैसे के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है विद्यार्थियों? महत्तम इंटू लघुतम। दो संख्याओं का गुणनफल लैसे गुणा मैसे। अब अगर अपन को दो संख्याएं दी हैं और लैसे ज्ञात करना है तो मैसे का भाग देते हैं। लैसे बराबर क्या होगा? लघुतम समापवर्तक क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा मैसे। महत्तम निकालना है तो मैसे बराबर क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा लैसे। अगर पहली संख्या निकालनी है तो लैसे गुणा मैसे में दूसरी संख्या का भाग देते हैं। दूसरी संख्या निकालनी है तो लैसे गुणा मैसे में पहली संख्या का भाग देते हैं। इस प्रकार आज हम एक तो पढ़ेंगे लघुतम, एक पढ़ेंगे महत्तम। एक दो संख्याओं का गुणनफल दिया है तो महत्तम और लघुतम के गुणनफल के बराबर होता है, या लघुतम ज्ञात करते हैं तो दो संख्या गुणनफल में महत्तम का भाग देते हैं, महत्तम ज्ञात करते हैं तो दो संख्याओं के गुणनफल में लघुतम का भाग देते हैं। अगर पहली संख्या ज्ञात करनी है तो लघुतम और महत्तम के गुणनफल में दूसरी संख्या का भाग देते हैं। दूसरी संख्या निकालनी है तो लघुतम और महत्तम में पहली संख्या का भाग देते हैं। अब इसके आगे है प्रश्नावली 3.6 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यंजकों के लघुतम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। संख्या दे हैं 24x2yz और 27x^4, y^2, z^2। विद्यार्थियों सबसे पहले अपन संख्या 24 और 27 का लघुतम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। संख्या 24 व 27 का लघुतम समापवर्तक
24 और 27 संख्या लिखी, सबसे छोटी संख्या 2 का भाग दिया, 24 में 2 का भाग दिया 12, 27 का 27, फिर 2 का भाग दिया 24, 12 में 6, 27 का 27, फिर 2 का भाग दिया 6 में 3 और 27 का 27, 3 का भाग दिया 1, 9, 3 का भाग दिया 1 और 3, 9 में 3 का दिया 3, 3 का दिया 1 और 1। इस प्रकार 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 इनको गुणा किया, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 2 = 54, 54 × 1 = 108 और 108 × 2 = 216। तो विद्यार्थियों 24 और 27 का लघुत्तम समाप्रत्यय आया 216। अब अक्ष की सबसे बड़ी घात, अक्ष की घात यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, तो अक्ष की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 4। वाई की यहां पर 1 घात है, यहां पर 2 घात है, तो वाई की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। जेड की यहां पर 1 घात है, यहां पर 2 घात है, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2, तो जेड की घात 2। अतः अभीष्ट लघुतम समापवर्तक 216 संख्या का लिखा पहले, तो 216 है, 24 और 27 का लघुत्तम कितना है? 216। इसके बाद में बीज व्यंजक एक्स की घात 4, वाई की घात 2 और जेड की घात 2 उत्तर। इसी प्रकार से तीसरा खंड है कि 2x² - 8x और x² - 5x + 6, 2x² - 8 और x² - 5x + 6, इसमें 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेते हैं तो x² - 4, x² - 5x + 6, तो ऐसी दो संख्याएं तो जोड़ तो आए 6x² गुणा तो आए 6x² और जोड़े तो हो 5x, तो 2 और 3 कितने होते हैं? 5, तो 2x और 3x को जोड़ किया तो ये हो गए 5x और 2 और 3 को गुणा करते हैं तो ये हो गए 6x². अब दो ये दोनों पूर्ण वर्ग है तो प्रथम पद का वर्ग 4 का वर्ग मूल्य 2, 2 का वर्ग, एक बार तो जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, a² - b² गुणनखंड होता है उसमें a+b और एक बार a-b, तो a+b सूत्र से तो 2 कोष्टक, एक बार तो x में 2 जोड़ दिया, एक बार x में से 2 घटा दिया, यहां पर इसके टुकड़े कर दिए 5 के 2 और 3, 5 गुणा करते हैं तो 6, इसमें x कॉमन लिया तो x-2, 3 कॉमन लिया तो x-2, x-2 कॉमन आया तो यहां पर बच गया x-3। संख्या 2 है तो 2 का लघुत्तम भी कितना होगा? 2 ही होगा विद्यार्थियों, संख्या केवल 2 है और 2 का लघुत्तम लेते हैं तो संख्या 2 का लघुत्तम 2। x+2 की सबसे बड़ी घात, x+2 की सबसे बड़ी घात 1 ही है तो इस x+2, x-2 की सबसे बड़ी घात तो x-2 भी, ये भी 1 ही है, x-3 की सबसे बड़ी घात ये भी 1 ही है, तो अतः अभीष्ट लस है, अभीष्ट लस है, संख्या का ताया 2, कोष्टक x+2, x-2 और x-3। अब अगर ये भी ठीक है, अगर आगे करना चाहें तो 2x² - 4 इसका क्या होगा गुणनखंड? x² - 4, उसको 2 से गुणा करते हैं तो वो होगा 2x² - 8, 2x² - 8 और कोष्टक x-3। विद्यार्थियों नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इसके आगे है 5 कि 18 6x की घात 4, 18 6x की घात 4 + x की घात 3 - x² और 45 2x की घात 6 + 3x की घात 5 + x की घात 4। अब यहां पर तो कॉमन आता है x स्क्वायर,
और यहां पर कॉमन आता है एक्स की घात 4, क्योंकि सबसे छोटी घात यहां पर कितनी है, एक्स की घात 2 है, यहां पर एक्स की घात 4 है, तो एक्स की घात 2 कॉमन लिया तो 18 एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो गया 6x स्क्वायर। एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये आ गया 18x स्क्वायर कोष्टक 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। इसी प्रकार से यहां पर 45 एक्स की घात 4 कॉमन लिया तो ये बच गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एक्स की घात 4 कॉमन लेते हैं तो 6 तो 2 घात बची, 5 है तो 1 बच गया, 4 है तो 1। अब 18x स्क्वायर वह 45x की घात 4 का लघुत्तम समापवर्तक, तो एक्स की घात 2 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि लघुत्तम में तो बड़ी घात लेते हैं तो एक्स की घात 2 और 4 में बड़ी घात है 4, तो एक्स की घात 4 आ गई। और 18 और 45 का लघुत्तम निकालते हैं, 2 का भाग गया 18 में 9 बार, 45 45, 3 का दिया 9 15, 3 का दिया 1 और 5, 5 का दिया 1 और 1, इनको गुणा किया 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, तो ये कितना आया 90। विद्यार्थियों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक आया 18 और 45 का 90 एक्स की घात 4। इसके बाद में अपन क्या करते हैं कि इन बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड करते हैं, 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और यहां पर है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। 6x स्क्वायर गुणा करने पर तो ये माइनस 6x स्क्वायर, जोड़ें तो हो 1, तो 3x में से 2x घटाते हैं, 3x में से 2x घटाते हैं तो x आता है, और 3 और माइनस 2 को गुणा करते हैं तो माइनस 6x स्क्वायर होता है, तो 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 1, 3x माइनस 2x माइनस 1, 2x स्क्वायर 3x के टुकड़े हो गए 2x प्लस 1, क्योंकि गुणा करने पर तो होना चाहिए 2, जोड़ने पर होना चाहिए 3, तो 2x और x को जोड़ते हैं तो 3x और गुणा करते हैं तो 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1। अब 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 3x में कॉमन आया 3x, 3x कॉमन लिया तो 3 दूनी 6 2x प्लस 1, माइनस 1 कॉमन लिया तो यह आया 2x प्लस 1, 2x कॉमन लिया तो 2x कॉमन लेते हैं इसमें तो x प्लस 1 और प्लस 1 कॉमन लिया x प्लस 1। अब यहां पर तो आ गया 2x प्लस 1 और ये हो गया 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 और 2x प्लस 1, इसी प्रकार से यहां पर हो गया x प्लस 1 तो कॉमन है ही 2x प्लस 1। अब 3x माइनस 1 की सबसे बड़ी घात, 3x माइनस 1 की सबसे बड़ी घात केवल ये ही एक पद है, इसलिए ये ही लिख देते हैं 3x माइनस 1। 2x प्लस 1 की सबसे बड़ी घात तो यही होगा 2x प्लस 1, x प्लस 1 की सबसे बड़ी घात यही होगी x प्लस 1। अतः अभीष्ट लघुत्तम समापवर्तक संख्याओं का आया था विद्यार्थियों 90, x की घात 4, कोष्टक 3x माइनस 1, 2x प्लस 1 और x प्लस 1। इस प्रकार इम्पोर्टेंट सवाल है, बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ध्यान पूर्वक इसको याद करना विद्यार्थियों, ये बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना कि 18 और 45 का लघुत्तम लिया, इसमें एक एक्स स्क्वायर और एक्स घात 4 कॉमन आते हैं कॉमन लिया, उनमें बड़ी घात कौन सी है, एक्स घात 4 है तो 4 लिख दिया और फिर इनके गुणनखंड कर दिए। इसके आगे है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ये तो आपने पढ़ा था लघुत्तम, अब पढ़ते हैं महत्तम, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं, निम्नलिखित व्यंजकों के महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए।
पहला क्वेश्चन है एकी घात तीन बीकी घात चार ए बीकी घात पांच एकी घात दो बीकी घात आठ। एकी घात तीन बीकी घात चार और ए बीकी घात पांच ए स्क्वायर बीकी घात आठ ये हैं। तो एक की सबसे बड़ी उभयनिष्ठ घात, सबसे बड़ी उभयनिष्ठ आते ही आपको कौन सी लेनी है जो सबसे छोटी घात है। तो एक की सबसे बड़ी उभयनिष्ठ घात एक की घात तीन दो एक, तो सबसे छोटी है एक, तो एक की सबसे बड़ी उभयनिष्ठ घात आई ए। बी की सबसे बड़ी उभयनिष्ठ बी की बी सबसे छोटी घात कौन सी है चार पांच आठ में चार, तो बी की घात आई चार। अतः भिष्ट महतम समापवर्तक बराबर, अतः भिष्ट महतम समापवर्तक बराबर ए बी की घात चार। कितना आया ए बी की घात चार। अब इसी प्रकार से तीसरा खंड है महतम का एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स प्लस बारह एक्स स्क्वायर माइनस दस एक्स प्लस इक्कीस तथा एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स माइनस पंद्रह। तो ये तीनों गुणनखंडों को अपन महत्तम ज्ञात करने के लिए इनका गुणनखंड करते हैं। तो ऐसी दो संख्याएं कि गुणा तो आए बारह जोड़ आए सात, तो चार और तीन सात और गुणा होता है बारह, सात और तीन दस और सात ये इक्कीस, पांच में से तीन घटा दिए दो और गुणा करने पर पंद्रह। इस प्रकार से विद्यार्थियों इसका गुणनखंड किया। तो एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स प्लस बारह और एक्स स्क्वायर माइनस दस एक्स प्लस इक्कीस और एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स माइनस पंद्रह। तो एक्स स्क्वायर सात के टुकड़े हो गए तीन एक्स और चार एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स माइनस चार एक्स प्लस बारह, दस के हो गए एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स माइनस सात एक्स प्लस इक्कीस, एक्स स्क्वायर पांच एक्स माइनस तीन एक्स माइनस पंद्रह। अब इसमें यहां पर कॉमन आया एक्स, एक्स कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस तीन, यहां पर चार और बारह में कॉमन आया चार, चार कॉमन लिया तो एक्स माइनस तीन, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स तो इसमें कॉमन आया एक्स, तो एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस तीन, सात कॉमन लिया तो एक्स माइनस सात ती इक्कीस तीन, एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस पांच, तीन कॉमन लिया तो एक्स प्लस पांच। अब एक्स माइनस तीन कॉमन आता है एक्स माइनस चार, एक्स माइनस तीन कॉमन आता है एक्स माइनस सात, एक्स प्लस पांच कॉमन आता है और एक्स माइनस तीन। एक्स माइनस तीन की सबसे बड़ी उभयनिष्ठ घात, तो x माइनस तीन की सबसे बड़ी x माइनस तीन ही है, कहीं भी कोई दो घात नहीं है, इसलिए x माइनस तीन की सबसे बड़ी उभयनिष्ठ की सब जगह कॉमन x माइनस तीन है, इसलिए x माइनस तीन। x माइनस चार की सबसे बड़ी उभयनिष्ठ, तो x माइनस चार केवल एक जगह दो जगह नहीं है, इसलिए इसका महत्तम आया एक। x माइनस सात की सबसे बड़ी उभयनिष्ठ घात, ये भी केवल एक जगह है, इसलिए इसका महत्तम भी आया एक। x प्लस पांच की सबसे बड़ी उभयनिष्ठ घात, x प्लस पांच का सबसे बड़ी उभयनिष्ठ घात, यह भी एक जगह, इसलिए इसका मान गया है एक। अतः अभिष्ट महतम समापवर्तक, अतः अभिष्ट महतम समापवर्तक बराबर x माइनस तीन, x माइनस तीन। महतम वो होता है जो अपन जो गुणनखंड करते हैं उन सब में कॉमन होता है। देखो यहाँ पर एक्स माइनस तीन कॉमन है, यहाँ पर भी एक्स माइनस तीन है, यहाँ पर भी एक्स माइनस तीन है, वो संख्या जो सभी गुणनखंडों में कॉमन आती है वो संख्या ही महत्तम कहलाती है। इसके आगे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर तीन, तीन है निमित यदि यू एक्स बराबर एक्स माइनस एक का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एक का होल स्क्वायर तथा वी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक हो, तो संबंध एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर यू एक्स गुणा वी एक्स की सत्यता की जांच कीजिए। हल यू एक्स दिया है आपको एक्स माइनस एक का होल स्क्वायर और वी एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक,
तो इसका तो अपन गुणनखंड करें तो यू एक्स बराबर होगा एक्स माइनस एक पर घात दो है, इसलिए अलग अलग लिख दिया एक्स माइनस एक एक्स माइनस एक। और ये वी एक्स बराबर प्रथम पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग, ये गुणनखंड कर दिया, दोनों पूर्ण वर्ग था इसलिए एक बार तो पहली संख्या में दूसरी संख्या जोड़ देते हैं और एक बार पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा देते हैं। तो वी एक्स बराबर हो गया एक्स प्लस एक और एक बार हो गया एक्स माइनस एक। यू एक्स बराबर एक्स माइनस एक घात दो है इसलिए दो बार लिख दिया। अब एक्स माइनस एक की सबसे बड़ी उभयनिष्ठ घात जो कॉमन है वो लिखना है, तो एक्स माइनस एक यहां पर भी और यहां पर भी है, तो एक्स माइनस एक की सबसे बड़ी उभयनिष्ठ घात कितनी आई, एक्स माइनस एक। एक्स प्लस एक की सबसे बड़ी उभयनिष्ठ घात ये केवल एक जगह यहां पर नहीं, इसलिए इसका महत्तम आया एक। अतः अभिष्ट एचसीएफ, अभिष्ट एचसीएफ बराबर एक्स माइनस एक। विद्यार्थियों केवल एक ही संख्या ऐसी है जो दोनों जगह मिली एक्स माइनस एक, इसलिए इन संख्याओं का एचसीएफ कितना आया, एक्स माइनस एक आया। अब एक्स माइनस एक की सबसे बड़ी घात एक्स माइनस एक की दो है, यहां पर एक घात है यहां पर दो है, तो एक्स माइनस एक की सबसे बड़ी घात है एक्स माइनस एक की घात दो। अब महत्तम लघुतम, एक्स प्लस एक की सबसे बड़ी घात है तो महत्तम में तो लिखा जाता है एक जो नहीं मिलती और उसमें वो संख्या लिखते हैं, तो एक्स प्लस एक की सबसे बड़ी घात है एक्स प्लस एक। अतः अभिष्ट एलसीएम, एलसीएम अतः अभिष्ट एलसीएम या लघुतम बराबर एक्स माइनस एक की घात दो और एक्स प्लस एक, एक्स माइनस एक की घात दो और एक्स प्लस एक। अब अपन क्या करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। यू एक्स गुणा वी एक्स बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो इनके मान रखते हैं। यू एक्स का मान कितना दिया हुआ है, एक्स माइनस एक का वर्ग गुणा वी एक्स का मान कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक, तो एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, एक्स प्लस एक हो गया एक्स माइनस एक। एलसीएम कितना दिया हुआ है, एक्स माइनस एक की घात दो और एक्स प्लस एक, और महत्तम कितना दिया हुआ है एचसीएफ, एक्स माइनस एक। अब यहां पर देखो एक्स माइनस एक पर घात दो है, एक्स माइनस एक का पद ये भी है, तो एक्स माइनस एक की घात दो और एक ये हो गया, तो एक्स माइनस एक की घात टोटल कितनी हो गई, तीन हो गई और एक्स प्लस एक। इसी प्रकार से यहां पर देखो एक्स माइनस एक की घात दो है एक ये, तो एक्स माइनस एक की घात टोटल हो गई तीन और एक्स प्लस एक। अतः एक्स माइनस एक का क्यूब और एक्स प्लस एक, यहां पर भी एक्स माइनस एक का क्यूब और एक्स प्लस एक दोनों बराबर हैं। हाँ, दिया गया संबंध सत्य है। विद्यार्थियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड में आ सकता है, अतः ध्यान पूर्वक इसको पढ़ना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना कि संबंध है ये कि लघुतम और महत्तम का गुणनफल दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर दो संख्या कौन सी थी, यू एक्स और वी एक्स थी, तो यू एक्स और वी एक्स का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर सिद्ध करना था। तो ये आपने सिद्ध किया कि दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या आई, दोनों में बराबर आई। अब इसके आगे है जो बोर्ड में आ चुका है कई बार, दो द्विघातीय व्यंजकों का एचसीएफ और एलसीएम, दो द्विघातीय व्यंजकों का एलसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ तो एक्स माइनस पांच और एलसीएम है एक्स क्यूब माइनस उन्नीस एक्स माइनस तीस। तो दोनों व्यंजक ज्ञात करो, आपको क्या निकालने हैं विद्यार्थियों, दोनों व्यंजक आपको दे क्या रखा है, एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ दे रखा है एक्स माइनस पांच, इसका तो कुछ होगा नहीं आगे। एलसीएम दिया हुआ एक्स क्यूब माइनस उन्नीस एक्स माइनस तीस। ये शेषफल प्रमेय का गुणनखंड है, तीन घात वाले कौन से कहलाते हैं, शेषफल प्रमेय के गुणनखंड कहलाते हैं। ये डायरेक्ट टुकड़ा करने से नहीं होता, इनको लिए अपन को मान रखना पड़ता है एक्स बराबर एक, एक्स बराबर दो, एक्स बराबर माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, इस प्रकार से। और एक स्थिति ऐसी आती है मान रखने पर कि इसका मान शून्य हो जाता है,
और जितना मान रखने पर इसका मान शून्य होता है वह इसका एक गुणनखंड होता है। तो विद्यार्थियों एक्स क्यूब माइनस 19x-30 का गुणनखंड करने पर हमने x बराबर 1 रखा, 2 रखा, माइनस 2 रखा, तो माइनस 2 रखने पर इसका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। x बराबर माइनस 2 रखने पर मान शून्य हो जाता है, अतः x प्लस 2 इसका एक गुणनखंड है। अब x प्लस 2 इसका एक गुणनखंड है, तो x प्लस 2 का इसमें भाग देते हैं, x क्यूब माइनस 19x-30 में x प्लस 2 का भाग दिया तो भाग गया x स्क्वायर बार, x स्क्वायर से इसको गुणा करते हैं x प्लस 2 को, तो यह x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, चिन्ह बदलते हैं तो ये प्लस है माइनस, ये माइनस है, प्लस प्लस है माइनस, तो ये कट गए प्लस माइनस। अब सबसे पहले घातु को बढ़ते क्रम घटते क्रम में लिखते हैं, तो सबसे बड़ी घात को सबसे पहले, तो माइनस 2x स्क्वायर को सबसे पहले माइनस 19x-30। अब इसमें भाग देते हैं x प्लस 2 का, x का भाग दिया 2x बार तो माइनस 2x, माइनस 2x से इसको गुणा करते हैं तो माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 4x। अब चिन्ह बदल दिया प्लस प्लस, तो ये तो प्लस माइनस कट गए, 15 में 19 तो प्लस माइनस के, प्लस का 4 तो माइनस के 19 माइनस 30। अब 15 माइनस का 15x माइनस 30, अब माइनस 15 से गुणा करते हैं तो माइनस 15x-30 प्लस प्लस 0, तो एक्स क्यूब माइनस 19x-30, एक्स क्यूब माइनस 19x-30 का जब आपने गुणनखंड किया तो यह आया एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-15। अब ऐसी दो संख्याएं गुणाता है 15 और अंतर होती 2, तो 5 में 3 घटाते हैं 2 बचते हैं गुणा 15, तो x प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x-15। x प्लस 2 कोष्टक x कॉमन लिया तो x माइनस 5, 3 कॉमन लिया x माइनस 5, x प्लस 2 x प्लस 3 और x माइनस 5, तो यहां पर आपको दे रखा है HCF तो x माइनस 5, LCM कितना हो गया x प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस 19x-30 की जगह कितना लिख सकते हैं, x प्लस 2, x प्लस 3, x माइनस 5। अभी x माइनस 5 तो दोनों में देखो मिलता है, और इनको अलग अलग लिख देते हैं, एक बार तो पहले व्यंजक के लिए तो पहली संख्या और x माइनस 5, दूसरे व्यंजक के लिए x प्लस 3 और दूसरी संख्या को, तो पहला व्यंजक क्या होगा x प्लस 2 और x माइनस 5, दूसरा व्यंजक होगा x माइनस 5 और x प्लस 3। अब x से गुणा करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x-10, 5 में से 2 तो माइनस 3, तो पहला व्यंजक आया x स्क्वायर माइनस 3x-10, दूसरा व्यंजक x माइनस 5 और x प्लस 3, x से गुणा किया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 से गुणा किया तो प्लस 3x, 3 और माइनस 5 को गुणा किया 15, x स्क्वायर 5 में से 3 गए माइनस के 2 माइनस 15, तो दोनों व्यंजक क्या है, पहला व्यंजक आया x स्क्वायर माइनस 3x-10, दूसरा व्यंजक क्या आया x स्क्वायर माइनस 2x-15। ये दोनों व्यंजक प्राप्त हुए। विद्यार्थियों ये बोर्ड में आ चुका है और इस पर ध्यान देना, दोबारा आ सकता है। उम्मीद है कि अब आज आपके लिए इतना ही पर्याप्त है कि आज हमने आपको लघुत्तम महत्तम एक व्यंजक दिया, दूसरा व्यंजक निकालना, दोनों व्यंजक निकाल सकते हैं, लघुत्तम और महत्तम निकाल सकते हैं, ये पढ़ाया। आज के लिए ये इतना ही पर्याप्त है बहुपद का टॉपिक, और कल अपन विविध प्रश्नमाला पढ़ेंगे। विविध प्रश्नमाला में देखो विद्यार्थियों हर तरीके के प्रश्न होंगे। सबसे पहले मैंने पढ़ाया था आपको कौन सा बहुपद, बहुपद के बाद में बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, उसके बाद में पढ़ाया
गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण हल करना, उसके बाद में पटाया पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, तीसरा पटाया श्रीधर आचार्य या द्विघाती सूत्र की सहायता से द्विघात समीकरण हल करना, और कल पटाया मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। मूलों की प्रकृति डी का मान प्लस आए तो मूल वास्तविक और सम्मान मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, डी के बराबर जीरो है तो मूल वास्तविक व सम्मान होंगे, और डी का मान जीरो से बड़ा है तो मूल काल्पनिक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे। यह पढ़ाया था। अब सभी अभ्यासों के मिले जुले सवाल विविध प्रश्न माला के अंतर मिलते हैं, तो आप सभी इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना, और कल इसी समय हम दोबारा आपको ये विविध प्रश्न माला कराएंगे। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।